अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने होल नंबर्स पढ़ा था कि वो कौन से होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, फिर हमने इंटीजर्स पढ़े, वो तीन टाइप्स के होते हैं। उसके बाद आज हम बहुत सारे और सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अब हमारे पास एक सेट होता है इवन नंबर्स का, इवन नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं जो हमारे पास टू पे डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, ज़ीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स प्लस अप टू सो। और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास जो टू पे डिवाइड नहीं होते, वो हमारे पास कौन से होंगे, प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस सेवन टू सो। और हमने ये भी पढ़ा था जो ज़ीरो है ना, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन ज़ीरो जो है वो हमारे पास इवन इंटीजर है। अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स और दूसरा हमने पढ़ने हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर स्टूडेंट कौन से होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू डिवाइज़र होते हैं, या जिसको हम कह लें कि दो फैक्टर होते हैं, और बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि वो ऐसे नंबर जो या तो वन पे डिवाइड होते हैं या सिर्फ खुद पर ही डिवाइड होते हैं। जैसे अब हम कहेंगे टू थ्री, ये किसी और के टेबल में ये नंबर नहीं आएंगे। जैसे अब टू है वो सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा, या हम कह सकते हैं वन के टेबल में आएगा। थ्री है, जैसे थ्री किसी और के टेबल में नहीं आएगा। फाइव हो गया, सेवन हो गया, ये नंबर जो हैं या तो वो खुद पे डिवाइड होते हैं, जैसे फाइव है वो फाइव पे डिवाइड होगा या वन पे डिवाइड होगा, इसके अलावा और कोई नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये वाले नंबर जो हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू डिवाइज़र या टू फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, और ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे मैं कहती हूँ फोर हो गया, सिक्स हो गया, एट हो गया, नाइन हो गया, ट्वेल्व टेन हो गया, ट्वेल्व हो गया, ये सारे हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं। और जो वन है हमारे पास ना इधर कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, क्योंकि ना वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि एग्जैक्टली टू डिवाइज़र होने चाहिए, वन को सिर्फ वन ही डिवाइड करता है। और जो है कंपोजिट नंबर जो हैं वो टू से ज़्यादा उनके फैक्टर्स होते हैं। जैसे अब फोर है, फोर के फैक्टर कौन कौन से हैं, फोर के फैक्टर हैं जी वन टू फोर, और सिक्स के जैसे हो गए वन भी है, टू भी है, थ्री भी है और सिक्स खुद भी है। तो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा, जिसके दो होंगे एग्जैक्टली उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये हमने पढ़ना है और इसको ज़रा डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। रैशनल नंबर हमारे पास रैशनल कहते हैं, रेशो से बना हुआ ये लफ्ज रैशनल नंबर्स। इनको सिंपल हम पहले कहते हैं जिनको हम ऐसे नंबर्स हमारे पास इस सेट में आते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लिखा जा सकता है। और पी क्यू जो है वो हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए और जो क्यू है उसकी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास इनको रैशनल नंबर्स को हमने डिफाइन किया है कि ऐसे हमारे पास नंबर जिनको पी बाई क्यू यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है या रेशो के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और पी क्यू जो है वो हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू जो है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो हम कैसे लिखेंगे, एक्स, और जब एक्स को हम ना लिख सकें पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जिनको हम लिख सकते हैं उनको रैशनल कहेंगे और जिनको हम नहीं लिख सकते इनको कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अब हम इनके ज़रा डिटेल देखते हैं कि इनमें रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं और इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से आते हैं।
हमारे पास फ्रैक्शन होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होती है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये दो लॉज मैंने कहे हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरी होती है हमारे पास डेसिमल भी कह सकते हैं, फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में हमारे पास कौन सी आती हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ कि डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स के बाद में हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 202.04, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, 0.25 या 0.5 ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग कैसे आती है, 0.33333 इस तरह टू सो ऑन, या मैं लिख दूँ 0.57473892 इस तरह से, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। ये मैंने टर्मिनेटिंग की एग्जांपल दी है कि पॉइंट्स के बाद कुछ नंबर के बाद वो नंबर ख़त्म हो जाए, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब मैंने ये नॉन टर्मिनेटिंग भी मैंने दो तरह की बनाई है, एक जो है रिपीटिंग है और दूसरी जो है वो नॉन रिपीटिंग है, कि एक ही नंबर है या ग्रुप ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हों, या जैसे अब एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो, या मैं जैसे अब ऐसे बना लेती हूँ 0.157157157 इस तरह रिपीट हो रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये जो दो फ्रैक्शंस हैं मैंने बनाई हैं, ये डेसिमल्स बनाई हैं, ये हमारे पास रिपीटिंग है और ये वाली जो है वो नॉन रिपीटिंग है। तो अब जो हमने इन्हीं के बेस पे बताना है कि रैशनल नंबर्स में कौन सी आती हैं और इरैशनल नंबर्स में कौन सी आती हैं, तो स्टूडेंट जो एक तो टर्मिनेट हो जाती हैं वो हमारे पास होती हैं रैशनल नंबर्स में, और नॉन टर्मिनेटिंग में हम देखते हैं अगर तो वो रिपीटिंग फ्रैक्शन है तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स में आती हैं, और नॉन रिपीटिंग वाली जो फ्रैक्शंस होती हैं वो हमारे पास किस में आती हैं, इरैशनल नंबर्स में। दो बात मैंने की कि जो रिपीटिंग होंगी वो हमारे पास रैशनल नंबर्स बनेंगे, और जो नॉन रिपीटिंग होंगी जैसे ये वाली फ्रैक्शन है, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा ये रिपीट भी नहीं हो रही, ये नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास इरैशनल नंबर्स में आएंगे। अब दूसरे ये जो अब 1, 2, 3 वाली वैल्यूज हैं, क्या ये हमारे पास रैशनल होंगी या इरैशनल, तो ये स्टूडेंट हमारे पास रैशनल होंगी क्योंकि हम इनको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं 1 पे डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में इनको लिखा जा सकता है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकें, और ऊपर और नीचे हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए, और नीचे वाला नंबर 0 ना हो तो हम उसको रैशनल कहते हैं। अच्छा, एक और स्क्वायर रूट की बात करते हैं हम। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए कोई नंबर, जैसे अगर हमारे पास है 4, ये हमारे पास 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या कहेंगे, ये 2 का स्क्वायर है, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, और 2 जैसे कि मैंने बताया रैशनल नंबर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो वो हमारे पास रैशनल नंबर आएंगे, रैशनल नंबर्स में होंगे, और अगर 2 के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए, 2 आ जाए, या हमारे पास 7 आ जाए, या ऐसा नंबर जैसे आप 15 है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा नंबर, तो ऐसे नंबर हमारे पास इरैशनल नंबर्स होते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर। तो ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में मैंने दो चीज़ें बताई हैं कि एक तो ख़त्म हो जाती है जो फ्रैक्शन डेसिमल के कुछ बाद, इस पॉइंट के कुछ नंबर्स के बाद ये ख़त्म हो जाएगी तो इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो होती हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में हमने देखा कि जो फ्रैक्शन है वो किस टाइप की है, रिपीट हो रहे हैं नंबर या नहीं हो रहे, अगर तो वो रिपीट हो रहे हैं कुछ नंबर्स, बार बार वही नंबर्स आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर्स कहते हैं। अगर वो नंबर्स डिफरेंट आ रहे हैं, वो रिपीट नहीं हो रहे, तो उसको हम फ्रैक्शन को क्या कहेंगे या उस डेसिमल को क्या कहेंगे, इरैशनल नंबर्स। फिर हमने बात की इंटीजर्स के बारे में, जैसे अब 1, 2, 3 हैं तो इनको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1 पे डिवाइड कर दें तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स बनेंगे। फिर हमने बात की स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो बाहर आ जाएगा कैंसिल होके, तो उसको हम रैशनल नंबर्स कहेंगे, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा
यानी वो नंबर्स के रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे।